प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति जीवन में वो बनता है, वो सफलता पाता है जो निर्णय वो अपने जीवन में लेता है, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। और आज ये जानेंगे कि आपके निर्णय लेने की क्षमता का ज्योतिष में क्या मामला है। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और जानेंगे कि उन लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि निर्णय लेने की क्षमता का ग्रहों से और ज्योतिष से क्या संबंध है। देखिए, ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता पंचम, नवम और एकादश भाव से देखी जाती है। अलग अलग तत्वों से अलग अलग तरह की निर्णय लेने की स्थितियां बन जाती हैं। इसी प्रकार अलग अलग ग्रह निर्णय लेने की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा मन का स्वामी है, इसीलिए निर्णय लेने की क्षमता में इसकी विशेष भूमिका होती है। अगर हम हस्तरेखा विज्ञान की बात करें तो आपका अंगूठा आपके निर्णय लेने की ताकत को, निर्णय लेने की क्षमता को बताता है। निर्णय कैसा होता है और कौन सा ग्रह कैसा निर्णय दिलवाता है इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपके व्यस्तता रहेगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, धन की प्राप्ति हो सकती है, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं, मानसिक चिंताएं आपको हो सकती हैं, वाद विवाद से इस समय आपको बचाव करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, काम की रुकावट आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह का आपके निर्णय पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कौन सा ग्रह निर्णय क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। सूर्य प्रधान जो लोग होते हैं ये तुरंत निर्णय लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं और परिणाम कुल मिलाकर ठीक रहता है। चंद्रमा वाले लोग निर्णय आम तौर पर भावनाओं से लेते हैं, अपने मन से लेते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं। मंगल प्रधान लोग जोश में निर्णय लेते हैं और अक्सर जोश में लिया गया इनका निर्णय गलत होता है। बुध प्रधान लोग अक्सर निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं, जिससे निर्णय लेने में बहुत वक्त लगता है। बृहस्पति और शुक्र प्रधान लोग अक्सर संतुलित निर्णय लेते हैं, बैलेंस डिसीजन लेते हैं, जो इनके लिए बेहतर होता है। शनि प्रधान लोग सोच समझकर और बेहतरीन निर्णय लेते हैं,
आराम से ठहर करके सही समय लगा करके सही निर्णय लेते हैं। शनि प्रधान लोगों के निर्णय को आप सबसे अच्छा निर्णय कह सकते हैं। अगर आपको अपनी निर्णय की क्षमता को बेहतर करना है तो उसके लिए क्या उपाय किए जाएं वो बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, काम आपका बढ़ा हुआ रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी की समस्या दूर होगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, खान पान में सावधानी रखें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप अपनी निर्णय क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। देखिए, रोज सुबह उगते हुए सूर्य को या जितना जल्दी हो सके सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। महिला अगर जल चढ़ाएंगी तो जल में हल्दी मिलाएंगी और पुरुष अगर जल चढ़ाएंगे तो वो जल में रोली मिलाएंगे। महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखिए, या एक पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा का उपवास रखिए। जलीय उपवास यानी केवल लिक्विड लेकर के उपवास रखा जाएगा। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए। या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, यानी शनि के लिए प्रकाश का दान करिएगा। और निर्णय क्षमता को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज या एक हीरा अगर आप पहनते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन की दशा उत्तम रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, शिक्षा में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आकस्मिक यात्रा हो सकती है, धर्म कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आज सुबह के समय में या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।